सहगल हवेली से जिनों की हवेली और फिर अब लाल हवेली, मोहब्बत की वो दास्तान जिसकी गवाही लाल हवेली की दीवारें आज भी देती हैं। शेख रशीद को लाल हवेली अपनी जान से ज्यादा प्यारी क्यों है? अगर आप रावलपिंडी के मसरूफ बौहड़ बाजार से गुजरेंगे तो आपको लाल हवेली जरूर नजर आएगी, जिसे शहर का तारीखी मकाम कहा जाता है। एक जमाने में यहाँ रात की तारीखी में खूबसूरती की तारीफ करने वालों का हजूम हुआ करता था और वहाँ डांस पार्टियाँ होती थीं। अब यहाँ सियासी बसात है। क़याम-ए- पाकिस्तान से बहुत पहले जेहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाले मुमताज बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुद्धन बाई से शादी कर ली। धनराज को महात्मा बुद्ध की घंटियां इस कदर अजीज थीं कि वो उससे प्यार करने लगे। इस मोहब्बत की कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद डाली। धनराज बुद्धन को अपने साथ रावलपिंडी ले आया और बौहड़ बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई, जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। बुद्धन बाई मुसलमान थीं, इसलिए इज्जत की खातिर धनराज ने हवेली के सहन में बुद्धन के लिए मस्जिद और अपने लिए एक मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बगैर किसी खौफ के इबादत किया करते थे, लेकिन आज एक ही मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हैं। हवेली आने के बाद बुद्धन रोजे और सलात की पाबंद हो गई। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम होती गई और बुद्धन से इस्लामी तालीमात सीखने वालों में इजाफा होता गया। जब तकसीमे हिंद हुआ तो धनराज ने हवेली बुद्धन बाई के हवाले कर दी और अपने खानदान के साथ हिंदुस्तान चला गया। बुद्धन बाई के बारे में लोगों का ख्याल था कि वो सोने और चांदी के जेवरात से माला माल औरत है, लेकिन दामन में बेजा मोहब्बत और इसके बटे हुए निशान के सिवा कुछ नहीं था। एक रात बुद्धन बाई सहगल की हवेली से निकली और कभी वापस नहीं आई। वो कहाँ गई, क्यों गई, कोई नहीं जानता, लेकिन सहगल हवेली में उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। फिर बरसों तक यह हवेली वीरान रही, क्योंकि डर के मारे कोई खरीदार आगे नहीं आया। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग सहगल की हवेली को जिनों की हवेली कहने लगे। हवेली की खरीदारी के हवाले से शेख रशीद का कहना है कि कश्मीर के एक खानदान ने सहगल की हवेली खरीदी, जो काफी अरसे से गुमनामी में रहती थी। फिर खरीदार ने शेख रशीद को हवेली 5.5 लाख में फरोख्त कर दी। शेख रशीद ने हवेली को सियासी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। कई नामवर सियासतदानों की मेजबानी करने वाली बालकनी भी तवज्जो का मरकज रही। इस बालकनी में नवाबजादा नसरुल्ला, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इज्तमात से खिताब किया। शेख रशीद ने हवेली की तज़ीनो आराइश में सुर्ख रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। नया रूप देने के बाद इसे लाल हवेली का नाम दिया गया। हवेली पर इस नाम की तख्ती भी 80 की दहाई में लगाई गई थी। यूं बुद्धन बाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। शेख साहब के मुताबिक बुद्धन बाई का नाच घर अब भी मौजूद है, जबकि वो दो कमरों में जिनमें वो रहती थी बंद है। शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखा है कि एक बार कश्मीर का एक अफसर हवेली देखने आया तो वो रो पड़ा और कहा, ये मेरी माँ बुद्ध की हवेली है। शेख साहब कहते हैं, हमने उसे रोकना चाहा, हमने बुद्धन के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो बगैर कुछ कहे चले गए। बुद्धन के लिए बनाई गई मस्जिद को अब बाजार के मकीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मंदिर की हालत अबतर है, जिसका कोई वारिस नहीं है। शेख रशीद की लाल हवेली से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अक्सर अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला बोलते हैं, अगर मुझे जिंदगी या लाल हवेली में से एक का इंतखाब करना होता तो मैं लाल हवेली का इंतखाब करता।